बिल्कुल गलत गल है। ये सारिया झूठिया अफवाह फैलाइया जा रही हैं। ये पिछे किसी चीन पाकिस्तान का हाथ नहीं है और वह ना ही दानवे है। वह बंदे वाली गल कि कर सकता है। कभी मुसलमानों लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी कहें जी ये पाकिस्तान का अंदोलन है, कभी कह दें जी ये CAA जड़ा होया पाकिस्तान का हाथ है। पर ये अपनी नखिदियां छुपाने की कोशिश करते हैं जो इनके साथ काम कर नहीं पा रहे हैं। अभी सत श्री अकाल, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं MJ खबर। जिस तरह से धीरे धीरे डेट आगे बढ़ती जा रही है, किसानों के फेवर में कोई कुछ नहीं आ रहा। आइए चलते हैं, कुछ हमारे साथ हैं, कुछ चंडीगढ़ से आए, उनसे बातचीत करते हैं। इधर पंजाब से भी आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास भी आएंगे। जी सर, पहले तो आपका नाम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरसेवक सिंह हैगा। मेरा छोटा वीर मनवीर सिंह। जी सर, जिस तरह से आज मंत्री जी ने, दानवे जी ने बोला है कि जो किसान आंदोलन है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, ये जी बिल्कुल गलत गल है। ये सारिया झूठिया अफवाह फैलाइया जा रही हैं। ये पिछे किसी चीन पाकिस्तान का हाथ नहीं है। ये अपनी नखेदियां छुपाने वास्ते ये सारे स्टंट प्ले कर रहे हैं और ना ही दानवे है। वो बंदे वाली गल कि कर सकता है। ये तो पूरी की पूरी पार्टी एक दानव है। असी खंडन करते हैं सारिया झूठिया अफवाह फैलाइया जा रही ने। कभी कह देंगे खालिस्तानी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल हर एक चीज़ में गलत डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। जी, जिस तरह से JP दलाल है उनने भी यही बोला था कि पाकिस्तान लाहौर और बनाया जा रहा है इसके पीछे। नहीं जी, एक कभी मुसलमानों लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी कहें जी ये पाकिस्तान का अंदोलन है, कभी कह दें जी ये CAA जड़ा होया पाकिस्तान का हथ है। पर यह अपनी नखिदियां छुपाने की कोशिश करते हैं जो इनके साथ काम कर नहीं पा रहे हैं। अभी अपने पॉजिटिविटी में नहीं लेके जा रहे, ये उसको दूसरा फेस देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह से सरकार ने बोला कि वो कुछ बिल में कुछ चीज़ें सही करेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जो बिल मतलब वापस कर देंगी। बस वो इसी बात पे बोल रही हैं कि वो कुछ चीज़ बिल में से सही कर देंगी। सर, मैं दसना चाहवागा जी, असी एवें का कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते जिहड़ा बिलों के विच कीता जावे। ये सारे के सारे अपने बिलों नूं रखण दे पक्ष दे विच ने कि असी बिल रख दीए, कुछ अमेंडमेंट सुन ले आइए, उस तो बाद थोड़े टाइम के बाद में ये क्या करेंगे, उनको दोबारा कोई ना कोई प्रोविज़न ला के दोबारा इंप्लीमेंट कर देंगे। सो हम इसके बिल्कुल खिलाफ़ हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये बिल बिल्कुल ख़त्म किए जाएँ, जड़ से ख़त्म किए जाएँ। जी सर, जिस तरह से बहुत सारे संगठन, कल मजदूर संगठन भी आगे बढ़ के आए मदद करने के लिए, आंदोलन में खड़े होने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार किया गया। सर, ये जो सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश कर रही है, जब उनको पता लग गया कि ये जो शुरू किया गया था संघर्ष, ये बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुका है और अब इसके साथ मजदूर छोटी जत्थेबंदियां भी जुड़नी शुरू हो गई हैं। सो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, पर वो ये मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे। और पाकिस्तान का हाथ है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, किसी का हाथ नहीं है। ये किसान अपने आप कर रहे हैं, किसान अपनी मांगे आने के लिए कर रहे हैं। जितने टाइम हमारे 3 ऑर्डिनेंस नहीं, ये रद्द नहीं होंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे महीना लग जाए चाहे 6 महीने लग जाए। जी, किस तरह से एक कलाकार कंगना रावत जी का भी यही आया था, वो जो दादी जी को उनने बोला था, और ऐसे ही हरियाणा के JP दलाल ने भी यही बोला था कि इन सब के पीछे क्या मतलब लाहौर या पाकिस्तान बनाया जा रहा है। ये सारे BJP के कहने से ये कर रहे हैं, ये सेंटर सरकार करवा रही है। जी सर, जी सर, सरकार ने ये भी बोला है कि वो कुछ चीज़ें बिल में सही करेंगी। नहीं, हमें करने की बात की सर, इससे हम सहमत नहीं है, हमें ये बिल वापस चाहिए। जी, पूरा बिल वापस चाहिए।